मुस्लिम नौजवानों को नशे में ढकेला जा रहा है और नशा इतना आसान कर दिया गया है, बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है, और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है, पुलिस के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहा है। बरेली दंगों का आरोपी मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से जहर उगल रहा है। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाला मौलाना तौकीर अपने नए वीडियो में सीधे सीधे सरकार, प्रशासन और पुलिस को आरोपी बना रहा है। बिना सिर पैर के मौलाना के आरोप हैं युवाओं में नशा फैलाने को लेकर, खासकर मुस्लिम नौजवानों में। इसके अलावा मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों से शादी कराने को लेकर के भी मौलाना ने कई आरोप जड़े हैं। आप अपने मोहल्ले में, अपनी बस्तियों में मुआयना कीजिए, गौर कीजिए, जिस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है, असल साजिश वो है। असल साजिश ये है कि मुस्लिम नौजवानों को नशे में ढकेला जा रहा है और नशा इतना आसान कर दिया गया है, बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है, और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है। ये मैं बरेली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं, हर जगह मैंने ये हालात देखे हैं। हिंदू मोहल्लों में मैंने देखा है कि वहां का हालात ठीक ठाक है, मुस्लिम बस्तियों में देर रात तक लड़के चबूतरों पर, लिंटरों पर बैठे हुए हैं, गोल के गोल बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मोबाइल पे बिजी है, ये काहे में बिजी है, असल में वो नशे में बिजी है। और आजकल जो सूखा नशा चल रहा है वो ज्यादा जहर है, तो ऐसे नशे जो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, वो जो रात के 10 बजे से 3-4 बजे तक बैठ के बातें करते हैं और नशे करते हैं, वो फिर दोपहर तक सोते हैं, काम का कुछ होश नहीं है, कहां से कमाई होगी, क्या होगा, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं, वालदेन की तवज्जो नहीं है, उनकी बहनें कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं, इस पर उनकी तवज्जो नहीं है। तो किसी की बहन भाग इसलिए रही है कि वो देख रही है कि मेरे घर वाले इस लायक नहीं है कि मेरी शादी होगी, मेरा भाई इस लायक नहीं है कि मेरी शादी होगी, भाई नशे में मुलव्वस है, काम नहीं करता है। हमें अगर अपने इन नौजवानों को रोकने में हम कामयाब हो गए तो हम इन तमाम चीजों को ठीक कर सकते हैं, वरना अगर हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और ये काम किसी एक का नहीं है, सबको मिलके इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए, हर इलाके के जो बाइज्जत लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उलमा को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और इसके नशे के खिलाफ मुहिम चलाना बेहद जरूरी है। नशे के खिलाफ आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हुकूमत के तरफ से ये तमाम काम हो रहे हैं कि मुस्लिम बस्तियों में नशे को इस तरह आम कर दो। यहां मैं एक पुराना वाकया याद दिलाता हूं आपको कि एक जमाने में एड्स चला था, HIV, और वो बहुत फैला था, महाराष्ट्र का बंबई वगैरह ज्यादा उससे मुतासिर हुआ था, तो वो एड्स फैला नहीं था बल्कि फैलाया गया था। ऐसी HIV ज्यादा लड़कियां मुस्लिम बस्तियों के आसपास छोड़ी गई पेड, जिनके जरिए वो एड्स फैला, लेकिन उसको कंट्रोल तब करना पड़ा इन लोगों को, वरना वो पूरे देश में फैल जाता। उसको कंट्रोल तब करना पड़ा जब वो मुसलमानों के साथ वो गैर मुस्लिमों में भी फैलना शुरू हो गया, तो उन्होंने उस साजिश को रोका। जो वो साजिश एड्स आया नहीं था, एड्स लाया गया था। उसी तरह नशा मुस्लिम बस्तियों में पुलिस के जरिए, पुलिस के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहा है। पुलिस में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों का काम है, आपको खुद करना है। हमें अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए, हमें अपनी नौजवान नस्ल जो बिल्कुल हाथ से जा चुकी है, हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और नशे के खिलाफ अगर हम मुहिम शुरू करते हैं तो
इन तमाम चीजों से हम निजात हासिल कर सकते हैं, वरना ये इर्तिदाद का जो मसला है ये बढ़ता रहेगा, नासूर की तरह बढ़ेगा। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC का प्रमुख है। बरेलवी सुन्नी मुसलमानों का धार्मिक नेता है और कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहा है। साथ ही 2010 बरेली दंगों में हेट स्पीच का आरोपी भी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।